फैंस के बीच सिंघम सिंघम नाम से मशहूर सूर्या तमिल सिनेमा का जाना माना नाम है। सूर्या साउथ ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने इस कैरेक्टर की वजह से लोकप्रिय हैं। लेकिन उनकी पत्नी भी कुछ कम नहीं है। 18 अक्टूबर 1977 को मुंबई में जन्मी ज्योतिका ज्योतिका ने कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। ज्योतिका का नाम साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शुमार है। साउथ की हर दूसरी फिल्म में आपको ज्योतिका दिख जाएंगी। ज्योतिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भले ही बॉलीवुड से की हो लेकिन उनका सिक्का साउथ में ज्यादा चलता है। ज्योतिका का नाम उन अभिनेत्रियों में लिया जाता है जिनका दिल अपने ही को एक्टर पर आ गया। सूर्या और ज्योतिका ने 1999 में आई फिल्म पुवेल्लम के तुप्पर में सबसे पहले स्क्रीन शेयर किया था। इसके बाद से ही दोनों की अफेयर की खबरें आने लगी। आखिरकार ज्योतिका ने 11 सितंबर 2006 में एक्टर सूर्या से शादी कर ली। दोनों की धूमधाम से शादी हुई थी। अपनी शादी के दिन ज्योतिका ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी जिसकी कीमत 3 लाख थी। दोनों की शादी में जयललिता भी शामिल हुई थी। दोनों अब तक 7 फिल्मों में काम कर चुके हैं। इस कपल के 2 बच्चे बेटी दिया और बेटा देव है। ज्योतिका ने एक्टिंग डेब्यू 1998 में आई हिंदी फिल्म डोली सजा के रखना से किया था। बाद में उन्होंने तमिल फिल्म वाली मुगावरी, कुशी, रिदम, तेनाली, डम डम डम, स्टार और राजा जैसी फिल्मों में काम किया। ज्योतिका ने तमिल फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत फिल्म वाली से की थी। ज्योतिका अपने 20 साल के फिल्मी करियर में 42 फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं। इसमें वह साउथ की सुपरहिट फिल्म मास में भी नजर आई थी।